दीप और खुशियों के महापर्व दिवाली की तारीख को लेकर इस बार महा कन्फ्यूजन की स्थिति है। देश के कुछ जगहों पर 31 अक्टूबर तो कहीं 1 नवंबर को दिवाली मनाने की बात सामने आ रही है। मथुरा, उज्जैन, काशी में 31 अक्टूबर तो अयोध्या में इसके तारीख को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। इस महा कन्फ्यूजन के बीच दिवाली की सही तारीख क्या है, आपके मन में भी यह सवाल है तो आज काशी के ज्योतिषाचार्य से अपना सारा कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। धर्म नगरी वाराणसी में काशी विद्युत परिषद ने इस कन्फ्यूजन के बीच बैठक कर बड़ा मंथन किया है। इस बैठक में काशी के बड़े विद्वानों ने धर्म और शास्त्रों का अवलोकन कर दिवाली की सही तारीख भी बताई है और उसके पीछे शास्त्रोक्त तर्क भी दिए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर सुभाष पांडे ने बताया कि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:31 तक चतुर्दशी तिथि है। उसके बाद अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है जो अगले दिन यानी 1 अक्टूबर को शाम 5:24 तक रहेगा। उसके बाद प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी। प्रतिपदा तिथि में लक्ष्मी पूजा का महत्व नहीं है। शास्त्रों में उल्लेख है कि दिवाली का पूजा प्रदोष व्यापनी और रात्रि व्यापनी अमावस्या में होती है। इसमें उदया तिथि का कोई लेना देना नहीं है। इस लिहाज से देखा जाए तो यह सभी मुहूर्त 31 अक्टूबर की रात में मिल रहे हैं, इसलिए दिवाली पूरे देश में 31 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन या भ्रम की स्थिति नहीं पालनी चाहिए। दीपावली 31 अक्टूबर को है। चतुर्दशी तिथि दिन में 3:21 पर समाप्त हो जाएगी। अमावस्या जो है वो प्रदोष व्यापनी भी है और निशीथ व्यापनी भी है। तो रात भर जो जागरण करके लक्ष्मी कुबेर आदि का पूजन किया जाता है स्थिर लग्न में, जिसके कारण दीपावली जो है वह 31 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। प्रदोष काल में लेस मात्र केवल प्रवेश कर रहा है, रात्रि में नहीं मिल जाएगा। प्रतिपदा हो जाएगा शाम को 5:24 के बाद वह प्रतिपदा हो जाएगा, तो फिर रात्रि में भी नहीं मिलेगा और पूरा प्रदोष काल में भी नहीं मिल रहा है 1 नवंबर को। इसीलिए 31 अक्टूबर को ही शास्त्र सम्मत और धर्म सिंधु के अनुसार दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। वाराणसी ही नहीं, बिहार में भी 31 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। मिथिलांचल का एक सबसे प्रसिद्ध पंचांग है जो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से छपती है, उस पंचांग में भी 31 अक्टूबर को ही दीपावली लिखा गया है। भारत के जो भी गणमान्य पंचांग हैं, दीक्षित पंचांगों में भी 31 अक्टूबर को ही लिखा गया है। अब किसी ने भूल बस अगर एक को लिख दिया गया है तो यह उसका कारण है, लेकिन इस वर्ष 31 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा।